2.2 क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। कोई भी दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो दी हुई है 5:3। रेशियो का मतलब है ये फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं इनको 5/3, तो ये इनकी रेशियो है। यहाँ हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी जस्ट रेशियो दी हुई है। तो कभी भी हमारे पास जब नंबर्स रेशियो में दिए हों तो उनकी वैल्यू बनाने के लिए हमें किसी एक नंबर से उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे सपोज हम इनकी वैल्यू क्या बना सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 10/6। ये नंबर्स हो सकता है कि ये नंबर्स हो, एक नंबर 10 हो और एक नंबर 6 हो। ऐसे ही अगर हम इसको, इस फ्रैक्शन को एक सिंगल नंबर 3 से कर दें, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी वैल्यू 15/9। तो ये रेशियो में क्यों दे रहा है? क्योंकि रेशियो में इसलिए दे पा रहा है कि एक ही नंबर है जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। एक सिंगल नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही टाइम पे और वो नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो सिंगल नंबर हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए हम उसको एक्स मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि वो नंबर क्या है, एक्स। ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, नीचे भी करेंगे डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू आ जाएगी 5x और 3x। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन अपना। सॉल्यूशन है, लेट द नंबर्स, तो हमने नंबर्स क्या मान लिए अपने, अगर इसकी फ्रैक्शन हटा दें तो नंबर्स क्या हो गए, एक हो गया 5x, लेट द नंबर्स 5x एंड 3x। तो अब यहाँ पे x नहीं मानेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे x नंबर अज्यूम नहीं करना। हमारे नंबर्स रेशियो में है तो हमें यहाँ नंबर्स जो अज्यूम करने हैं वो x से मल्टीप्लाई करके करने हैं। तो एक नंबर हो गया हमारे पास 5x और एक हो गया 3x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है इफ दे डिफर बाय 18, उन दोनों का अगर डिफरेंस दिया हुआ है 18, डिफरेंस ऑब्वियसली अगर किसी चीज का हम डिफरेंस लिखेंगे तो पहले लिखेंगे बड़ा नंबर, 5x और 3x दोनों में से बड़ा है 5x, तो 5x माइनस 3x ये होगा इनका डिफरेंस जो कि दिया हुआ है 18। जस्ट हम इसे सॉल्व करेंगे और नंबर्स की वैल्यू पता करेंगे। तो 5x माइनस 3x दोनों ही सेम लाइक वेरिएबल्स हैं, तो आंसर आएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 18, x इक्वल्स टू 18/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो ट्रांसपोज होने पर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 एंड 2 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, तो x इज इक्वल टू 9, बट दिस इज नॉट द नंबर, दिस इज जस्ट द वैल्यू ऑफ x, ये सिर्फ हमारी x की वैल्यू है, ये नंबर नहीं है। तो नंबर के लिए हम वापस आ जाते हैं जो अजम्पशन हमने की थी कि लेट नंबर्स 5x, एक नंबर है हमारा 5x और एक है 3x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, जस्ट x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 9 That is 27। तो दो नंबर हमारे कौन से हो गए, 45 और 27। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस 18 होना चाहिए, तो 45 माइनस 27, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 8, यहाँ 3 में से 1 गया 18, तो यस उनका डिफरेंस 18 आ रहा है, तो वी आर करेक्ट, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आंसर इज करेक्ट, वन नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर इज 27, दीज आर द आंसर्स। थैंक यू।